बारामल बाबा दौरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि रंजिश और लालच की वजह से आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस की 15 टीमों द्वारा लगभग 1200 लोगों से पूछताछ की गई। इसके बाद हत्यारे पकड़े गए हैं। खटीमा के सीमान सुरई वन क्षेत्र में स्थित बाबा भारामल समाधि स्थल मंदिर के मुख्य मंत हरिगिरी महाराज एवं सेवादार रूप सिंह बिष्ट की हत्या को लेकर पुलिस ने खुलासा किया। उधम सिंह नगर के पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने बताया कि वारदात का खुलासा करने के लिए 15 टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों ने अलग अलग स्तर पर मामले की जांच शुरू की। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगभग 1200 अलग अलग लोगों से पूछताछ की गई। साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि के लगभग 1000 से ज़्यादा अपराधियों के भी बयान लिए गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के पीलीभीत क्षेत्र से 3 अभियुक्त कालीचरण रामपाल और पवन को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से मृतक बाबा हरिगिरी महाराज से लूटे गए रुपये, इंटरनेट डोंगल, बाबा हरिगिरी का बैग, शॉल, आधार कार्ड, पहचान पत्र, घटना में प्रयुक्त दराती और एक टॉर्च बरामद की गई। बाबा हरिगिरी महाराज ने भंडारे के बाद अभियुक्त कालीचरण और उसके भाई रामपाल को यहाँ शराब पीने से मना करके भगा दिया था। इसको इन लोगों ने रंजिश मान लिया और साथ में भंडारे में चढ़ने वाली रकम को देखकर भी दोनों के मन में लालच आया, जिसके चलते इन्होंने अपने तीसरे साथी पवन के साथ इस घटना को अंजाम दिया। बाबा जी का जो मतलब एक कपड़ा है जो मतलब क्या बोलते हैं अंगोछा बोलते हैं, अंगोछे में सारे पैसे लेके आए थे। वो पैसे, वो अंगोछा, बाबा जी का बैग, डोंगल और लोग जो मन्नत मांगते हैं ना, वो मन्नत मानने वाला पर्ची या वो सब जो थे वहाँ पे उस समय, तो वहाँ कुछ नहीं कर पाए, वो सब इकट्ठे करके लेके आए थे। वो पैसा छोड़ के बाकी सब वहाँ डंप किए थे जंगल में। वो सारे चीजें अंडर वीडियोग्राफी रिकवरी कराया हमने। टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड है। माननीय डीएजी महोदय ने 5000 रुपए का कैश रिवॉर्ड घोषित किया है कि प्रशासन ने अपना तन मन धन लगा कर की और बड़ी मेहनत से, लगन से इस केस को पर्दाफाश किया और सभी टीम लगी रही। कई बाहर से भी टीमें आई, इधर से भी टीमें आई और मैं पुलिस प्रशासन का बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने हमारे महात्मा का मर्डर हुआ और उसका खुलासा जल्द से जल्द किया। तन मन धन लगा कर इन्होंने मेहनत किया और मैं बहुत ही प्रशासन का आभारी हूँ और प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ जितने भी पकड़े गए हैं इनको जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।